पानीपत में समालखा विधानसभा से बीएसपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने प्रदेश के मुख्य दल कांग्रेस इनेलो हजका और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बाद अब किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर बीजेपी पार्टी से भी किनारा कर दिया है। आया राम गया राम व दल बदलू नेता के नाम से मशहूर नेताजी का नया ठिकाना कहाँ होगा, अब यह देखने वाली बात होगी। भारतीय वायुसेना में 15 साल देश सेवा करने वाले भरत सिंह छोकर राजनीति में आने के बाद अभी तक अपना कोई ठिकाना नहीं बना पाए हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद एमबीए भरत सिंह छोकर ने गुड़गांव की टू व्हीलर कंपनी से मैनेजमेंट जॉब के दौरान कर्मचारियों में लोकप्रियता प्राप्त करते हुए मजदूर नेता के रूप में एक अलग स्थान बनाया। उसके बाद राजनीतिक तौर पर शुरुआत करते हुए 2004 में कांग्रेस से अपना पहला राजनीति कदम रखा था और समालखा से विधायक बने थे। सवा महीने से ज्यादा हो चुका है किसानों के प्रति इतना क्रूर व्यवहार कि आम इस तरह खुले बाजार है, आसमान के नीचे इतनी ठंड में बैठना, बारिश भी हो रही है, सरकार का आंख बीचना, इससे आहत होकर मैं आज इस पार्टी से अलविदा छुट्टी करता हूं। मैं इस पार्टी में रहना चाहता, मैं 100% किसानों के साथ हूं, उनका समर्थन करता हूं, मुझे कोई राजनीति की भूख नहीं है। जब अन्नदाता ही खत्म हो जाएगा तो हमारा कोई भी नहीं बच पाएगा, क्या करेंगे हम सब पे? राजनीति तो बाद की बातें हैं। जो लोग जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था शास्त्री जी ने, भाई ये बेचारे जो किसान हैं इनके ही तो पुत्र हैं, वहाँ जो जवान भी हैं इनके ही पुत्र हैं जो पुलिस में भी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये सब तबका एक हो गया तो ये सरकार सारी सही नहीं रहेगी। और ये आपने देख भी लिया इसका सबूत कि सरकारों ने एक दिन का किसानों ने बंद किया था, सब संगठनों के समर्थन को मिले हैं और उसके बाद तो हमदर्दी बढ़ती जा रही है। सरकार का जो रूप है वो नंगा सामने आ चुका है कि सरकार बिल्कुल की नीयत ठीक नहीं है किसानों के प्रति। और सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि इस जागरी से जो गहरी नींद में सोए हुए हैं इसे जागने का काम करें, किसानों की मांगों का मानने का काम करें, समर्थन करें, तीनों काले कानून को रद्द करें और इन किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से घर जाने के लिए कहे। किस हमसे किसानों के साथ मजाक किया रवैया है सरकार का, ये इनको बदनाम करना चाहते हैं, एक बात फैलाना चाहते हैं कि MSP सरकार देना चाहती है, किसान लेना चाहते रद्द हो नहीं सकते। मैं कहता हूँ MSP भी देने वाले ये बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन करते हैं और इनके जो इन्होंने भंडारण की जो नीति दी है कि भंडारण कोई कितना करे, इसे तो काला बाजारी बढ़ाने का खुला रास्ता दे दिया उनको। नोटबंदी से ये नुकसान हुआ, जैसे कितने सैकड़ों लोगों की मौत हुई और जो गृहिणी थी बेचारी अपना थोड़ा बहुत खजाना रखती थी वो सारी भिखारी बना दी और उसके बाद इसके रोजगार पर बड़ा फर्क पड़ा है। जो पैसा लोगों के पास था धंधा करते थे छोटे मोटे व्यापार करते थे वो सारे बंद हो गए। इस नोटबंदी का बड़ा भारी जो काला धन लाने की बात थी या काला धन खत्म करने की बात थी ये तो ज़्यादा हो चुका है पहले से, तो नोटबंदी में नुकसान ही हुआ, फायदा तो हुआ ही नहीं। नंबर दो, ये जो GST लगाई या कि 7,000 व्यापारियों के खिलाफ GST चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले भी बहुत लोग हज़ारों लोगों के खिलाफ हो चुके हैं, इसका मतलब सब किस्म के व्यापारी से दुखी हैं। नंबर तीन, जो लॉकडाउन किया है इससे मजदूर पैदल चलते चलते महीनों तक मरते रहे, क्या सरकार अंधी थी आंखें नहीं खुली थी, इन्होंने देखी नहीं उनको जाते हुए, हम सब ने देखा उनको मोबाइल में पड़े है, तो ये बहुत ही अन्याय रवैया था सरकार का। और अब ये किसानों के साथ इस तरह करना, ये काले कानून बिना मांगे थोपना और उनके साथ अन्याय करना, और सरकार में हिम्मत है, इन्होंने प्लान बनाई थी कि इन किसानों को पीट पीट कर भगा देंगे, भगा के दिखाए फिर कितनी बड़ी क्रांति आएगी सरकार को पता लग जाएगा। सरकार की नीयत में खोट है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम 100% किसान के साथ हैं। ने घोषणा की है कि वो BJP से त्याग पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं किसानों के आंदोलन के समर्थन में दे रहे हैं त्याग पत्र। विधायक जो पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो इस्तीफा दे रहा है ना कि वो किसानों के हित में, क्योंकि अब उसने पहले वो कांग्रेस के टिकट पर जीता था, कांग्रेस के टिकट पर विधायक बना था, उसके बाद फिर उसने जब कांग्रेस ने उसको आउट कर दिया उसके बाद वो BSP में चला गया, BSP ने जब उसको आउट कर दिया तो उसके बाद वो
बहुत इसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में आ गया। जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया तो फिर वो शशिकांत कौशिक जो जिसको भाजपा पार्टी ने टिकट दी थी उसका समर्थक बनकर उसके भाजपा ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये बरसाती मेंढक की तरह है ना, कि ये तो जैसे जहाँ आबादी की वहीं चले जाते हैं, जहाँ मलाई खाने को मिल जाती है वहाँ पर ये लोग पार्टी अपनी नई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद ये इस प्रकार के लोग ही इस भाजपा पार्टी को बदनाम करते हैं, क्योंकि जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है वह न तो आज पार्टी छोड़ रहे हैं ना वो किसी प्रकार का वो कर रहे हैं, सिर्फ वो भी सरकार से अपनी अपील कर रहे हैं अभी सरकार किसानों को सुने और हर तरह से सरकार उनकी जो जायज मांग है किसानों की वो माने। उसके लिए पार्टी छोड़ने से कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं है, क्योंकि इससे लोकतंत्र के अंदर पार्टी ये तो आया राम गया राम की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भरत सिंह छोकर ने जो पार्टी छोड़ी वो गलत है, क्योंकि वो तो आया राम गया राम की राजनीति कर रहे हैं। इसमें हमारी तो यही मांग है कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। समालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर जी ने किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भरत सिंह छोकर जी पहले भी कई पार्टियां बदल चुके हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा किसानों के साथ ही है और रहेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।